तो फिर आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, पर किसका? वैसे जो भी गैजेट्स होते हैं मेरे पास, चाहे वॉच हो, घड़ी हो, मोबाइल हो या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, सो बेसिकली किसी भी चीज़ का कोई अनबॉक्सिंग या फिर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन आज जो है एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि अनबॉक्सिंग करने का थोड़ा सा जो है इच्छा हुई कि इसका अनबॉक्स एक वीडियो बनाते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे जो प्रोसेस है वो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो ये है भाई हमारे पास एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स और जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईफोन 14 का। और ये प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टाइम, मैं वैसे तो फ़ोन का कोई अनबॉक्सिंग या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं किया हूँ और आज थोड़ा सा एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है और इसके वजह से जो है इसका अनबॉक्सिंग करना पड़ रहा है। ये है हमारे पास एक फ्लिपकार्ट की तरफ से आया हुआ प्रोडक्ट जिसको हमने ऑर्डर किया हुआ था। बाय द वे ये मोबाइल ही है और मोबाइल जो है कुछ अलग जो फेमस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले स्मार्टफोन्स आईफोन 14 जो कि हमने भी शौक में थोड़ा ऑर्डर कर लिया और फिर देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग कि कैसे होने वाला है। उससे पहले बॉक्स आप देखोगे सो फ्लिपकार्ट की बैजिंग आपको दिख रही होगी क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की तरफ से ही आया है और बाकी जो एड्रेस है और कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें मेंशन है और जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है हम अपना हथियार जो है चालू करते हैं। जैसा कि बाकी जो टैक्स चैनल वाले जो करते हैं अनबॉक्सिंग, वैसा तो अनबॉक्सिंग नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो कोई प्रोडक्ट इतने ईजिली से जो चीज़ें हैं उसके बारे में उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। तो फिलहाल ये नॉर्मल हमने ये चीज़ें जो है थोड़ा सा ऊपर ले आया इसको ताकि इसको स्क्रॉल करके काट सके। सो यहाँ से जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया भाई कटिंग का प्रोसेस और फिर जो है बाकी जो है एक बार इसका एक वेरिफिकेशन जो कि फ्लिपकार्ट बॉय की तरफ से किया जाता है तो उस तरीके से हो चुका है और ये सेकंड टाइम का है हमारा। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्सेस देखने को मिलेगा और ये स्लिप्स वगैरह कुछ जो है हम लोग निकाल लेते हैं और इसको लगा देते हैं इस टेबल पे और यहीं से जो है फ़ोन को देखते हैं। सो कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये बॉक्स निकल के आया और भाई ये हो गया हमारा ये फ़ोन। तो फिर यहाँ से जो है हमारा ये स्लिप निकल के आ गया और अब इसको रखते हैं साइड में और थोड़ा सा देखते हैं ये फ़ोन। सो कुछ इस तरीके से आपको ये 14 जो है देखने को मिला और ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें नॉलेज नहीं है और कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये जो है आपको मैट फिनिश थोड़ा सा ब्लू कलर बोलूँ तो चल जाएगा, ब्लू ही होगा मेरे ख्याल से, हल्का सा ये जो है आसमानी कलर जिसको एक हिंदी वर्ड में बोलूँ तो। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी छूने में भी थोड़ा सा हाथ मेरा हिल रहा है क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली 10 या 12 15,000 20,000 तक का फ़ोन जो है यूज़ किए हैं। अभी भी जो वीडियो बन रही है वो भी 15,000 के आसपास का बजट का ही फ़ोन है। अब उसके बाद इसकी जो प्राइसिंग हो जाती है वो अप्रॉक्स 62,000 एवरेज। अभी जो फ्लिपकार्ट का बेसिकली जो प्राइस रेंज है वो है अराउंड 70,000, तो कार्ड वगैरह ये वो करके थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस में ये आ गया। सो ये हो गया हमारा फ़ोन, तो इसको रखते हैं साइड में। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इसको रख देते हैं यहाँ पे और बाकी इसका जो है चार्जर है बाकी और जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं। सो नॉर्मल ये और इसके साथ साथ जो है और क्या क्या चीज़ें इसकी लेनी पड़ गई, तो ये है एक हेडफोन जैक जो कि इसी का प्रोडक्ट है। आगे जो है चार्जर, भाई ये तो ज़रूरी है, अगर फ़ोन ले लिया चार्जर ही नहीं है तो फिर मतलब ही किस चीज़ का, तो ये भी लेना पड़ा। बाकी आईफोन कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये गलती से हम लोग इसमें फंस गए। और ये है इसका एक ग्लास गार्ड का कवर। सो ये चीज़ें हैं और आगे कुछ
प्रोडक्शन के लिए इसके कवर्स। सो ये कुछ इस तरीके से जो है दिखने वाला ये कवर्ड हो गया। तो यही है भाई एक छोटा सा जो है अनबॉक्सिंग। अब रही बात फ़ोन की तो इसको लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। बेसिकली क्या है, अभी एक जो चैनल जिसमें वीडियो आप देख रहे हो, ये मेरा नॉर्मल एक छोटा चैनल है जो कि एक ब्लॉग पर्पज़ के लिए मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, और वीडियोस बहुत कम आती हैं इसमें। लेकिन एक फर्स्ट मेरा जो चैनल है वो है मेरा बिज़नेस पर्पज़ के लिए। सो इन सेंस मेकिंग बिज़नेस जो है बेसिकली मेरा वर्क है। सो उसमें बिज़नेस के पर्पज़ से जो है वीडियोस बनती रहती हैं। सो वीडियोस बनती हैं तो फिर बेसिकली कैमरा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, कैमरास हो, फोटोज़ हो, या फिर बिज़नेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि कस्टमर्स हैं तो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के लिए काफ़ी सारी वीडियोस और मीटिंग्स ये सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है। सो उसके लिए जो है हमने सोचा कि ये फ़ोन ही एक बार जो है ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिव्यूज़ वीडियो और ऐसे काफ़ी सारे कैमरा के कंपेयर्स जो चीज़ें देखी हुई है। सो इसमें मेरे को ये आईफोन 14 ही सही लगा। और देखा जाए तो कैमरास जो है अभी के टाइम पे काफ़ी महंगी है, और महंगी कैमरा और उसके साथ साथ महंगे लेंस, तो वो बजट में नहीं बैठ पा रहा था। और बाकी जो है काफ़ी वीडियोस जो है मेरी नॉर्मल जो मोबाइल अभी वीडियो रिकॉर्ड्स हो रही हैं उसी में होती थी। तो एक नया प्रोडक्ट ये हो गया। कहाँ से होगा भाई स्टार्ट जी? सो ये भाई चालू हो गया अपना फ़ोन, यहाँ से देखो अभी बेसिकली थोड़ा चलाने में दिक्कत होगी। क्या क्या है, खुल गया कि नहीं खुला? तो कुछ इस तरीके से आपको ये फ़ोन जो है देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा टच भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं तक करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ एक्सपीरियंस आपको बीच शेयर करूँगा, वीडियोस क्लिक हो या फिर फ़ोटोज़ हो उसके बारे में। और वीडियोस में आप ये ब्लॉग वीडियो में हमेशा आप बने रहिए, कुछ वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, बट काम इतने सारे हैं, एक चैनल और है उसको देखना पड़ता है, इसके वजह से टाइम प्रोसेस बहुत कम है। सो फिलहाल एक अनबॉक्सिंग वीडियो हो गया, रिव्यू वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी, और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।